कौन है? हेलो, वो दरअसल मेरी गाड़ी अचानक बीच रास्ते में ख़राब हो गई और यहाँ फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। सो इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं सुबह होने तक यहाँ इंतज़ार कर सकता हूँ? इन केस यू आर थिंकिंग, मैं आपको इंश्योर करता हूँ आई विल कॉज नो ट्रबल, पक्का। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज कम इन। यहाँ चंडीगढ़ किसी काम से? काम से नहीं, एक ज़रूरी कारण से। सालों पुराना एक अधूरा रिश्ता है जो पीछे छूट गया है। बस उसी अधूरे रिश्ते की कहानी में एक नया मोड़, एक नया पहलू ढूंढने आया हूँ। सच कहूँ तो मैं यहाँ किसी की तलाश में आया हूँ। यानी आज भी कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी के पन्नों को पलटकर पीछे छूट चुके रिश्तों की तलाश करते हैं। इंटरेस्टिंग। ताजुब की बात यह है कि जिसे ढूंढने निकला हूँ मैं, उसे देखे हुए लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अब दिखती कैसी होगी। तो पहचानोगे कैसे उसे? शायद पहचान लूँगा। सच कहूँ तो मुझे वो पसंद तब भी थी और अब भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इश्क करता हूँ उससे, मगर उसे इतना याद क्यों करता हूँ इस बात का भी जवाब नहीं है मेरे पास। बड़ी मुश्किल से 3 अलग-अलग शहर के एड्रेसेस मिले थे मुझे। बस अब उनमें से एक आखिरी बचा है। क्या लोगे, चाय या कॉफी? अरे कुछ नहीं, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। हैव समथिंग। ओके, अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा एक बात कहूँ, यू हैव मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम और इतनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हो, थोड़ी झिझक नहीं हो रही? अनजान हो शायद इसलिए कह पा रहा हूँ। अक्सर हम उन लोगों से कुछ बातें आसानी से शेयर कर देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि हमें किसी बात का डर नहीं होता। कल मैं और आप अपनी अपनी दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे, फिर हमारी मुलाकात होगी भी या नहीं ये किससे पता। बात तो सही है वैसे। लेट मी शो यू समथिंग। द ओनली पिक्चर आई हैव ऑफ हर विद मी। आई थिंक यू शुड स्लीप, रात बहुत हो गई। चलो आई विल शेयर द गेस्ट रूम। प्लीज बी कंफर्टेबल। आज फिर से किसी की बातों ने तुम्हारी याद दिला दी। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम कैसे हो, इस वक्त कहाँ हो या किसके साथ हो, मगर मुझे यकीन है कि हम एक दिन फिर से जरूर मिलेंगे आदित्य।
गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं आपका इंतजार कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेस एंड अ वंडरफुल डे। अब निकलना होगा मुझे। नो इश्यूज, ऑल द बेस्ट फॉर योर तलाश। आई एम श्योर वो तुम्हें जरूर मिलेगी और बहुत जल्द। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्या आप ये एड्रेस जानती है? सना मल्होत्रा, सेक्टर 24, चंडीगढ़। सना मैडम कहाँ गई? अभी तो यही थी ना। सना कौन? अरे काय सवेरे सवेरे मजाक कर रहे हैं सर, अभी तो आप उनसे बतिया रहे थे ना। वो कहा है कि हमको देरी हो रहा है, ये जो पैकेट है आप सना मैडम को दे दीजिएगा। ठीक है। सना चंडीगढ़। हेलो सना मल्होत्रा, आम आदित्य।